मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज पूरा भारत आज़ादी का जश्न मना रहा है। तिरंगा फहराने के बाद सलामी देते हुए देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को याद किया गया। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सीनियर PI अशोक कडलक ने तिरंगा फहराया और सलामी दी। मुंब्रा पुलिस स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहाँ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। तिरंगे को सलामी दी गई और उन वीरों को नमन किया गया जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए। इसी तरह से NCP पार्टी के शमीम खान के ऑफिस पर भी विधायक जितेंद्र अभाड़ ने तिरंगा फहराया और सलामी दी। साथ ही मुंब्रा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी दारुल फलाह मस्जिद के पास तिरंगा फहराते हुए शहीदों को याद किया और तिरंगे के साथ कुछ दूर तक रैली भी निकाली। इसी तरह से जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस पर और दारुल फलाह मदरसे में तिरंगा फहराया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आज़ादी की मुबारकबाद दी गई। एक बात और सामने आ रही है, देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हुआ। उस स्वतंत्रता के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी बलिदान दिया था और आज साल 2022 में जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न भी है। कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर है कि आखिर ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, 75वां या 76वां। दरअसल इस तरह का कन्फ्यूज़न सामान्य तौर पर होता नहीं है, लेकिन देश में स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं और 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा भी हो रही है, इसलिए ये कन्फ्यूज़न खड़ा हो रहा है। आपके इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। देश ने 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, यानी कि 15 अगस्त 1948 को जब आज़ादी का एक साल पूरा हुआ तब देश ने दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी तरह से 1956 में 10वां, 1966 में 20वां, 1996 में 50वां, 2016 में 70वां और 2021 में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी लिहाज से 2022 में देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जबकि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं और इसी आज़ादी के जश्न को मुंब्रा शहर में भी आज बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। बस आज़ाद भारत चिरायु हो, सभी देश के हमारे भाई और बहनों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज 75 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और आज एक बड़ी खुशी का दिन है और पूरे इंडिया के अंदर में आज एक 75 साल होने के मौके पर पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का माहौल है और हर जगह पर हम देखेंगे हुकूमत की तरफ से भी हर घर तिरंगा जो एक अभियान चलाया गया है। पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है और हर कोई इस देश के अंदर मिलजुल कर रहना चाह रहा है। हर कोई एक मैसेज दे रहा है कि हम सब जो है आज़ाद है और हम सब एक साथ मिलकर के रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर हमने एक एग्जीबिशन भी रखा है जिसमें जो गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी है उनको हम लोगों के अंदर ला रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी है जो फ्रीडम फाइटर्स है वो आज गुम हो गए हैं, या तो वो किताबों के अंदर है या तो फिर किताबों के अंदर से भी उनको जो है मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम एक मुहिम चला करके 7 महीने से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये काम कर रही है कि पूरे इंडिया के अंदर में जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के अंदर अपना रोल निभाया था उनका हम एक यहाँ पर एग्जीबिशन हमने रखा है दारुल फलाह मदरसे के बाहर, दारुल फलाह मस्जिद के अंदर एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स में। आप तमाम मुंब्रा और अतराफ के लोगों से दरखास्त है कि आप आए और यहाँ पर इस एग्जीबिशन को देखें। एक यूनिक चीज़ है, एक अलग चीज़ है। इसके अंदर तमाम उन लोगों के हमने बैनर्स लगाए हैं, उनके बारे में एक शॉर्ट में हमने एक इंट्रोडक्शन रखा है कि उन्होंने क्या अपनी कुर्बानियां दी थी और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमने ये कोशिश की है कि हमारी जो आने वाली नई नस्लें हैं उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि इस देश को आज़ाद करने में मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यौमे आज़ादी है
15 अगस्त है, बड़ी कुर्बानियां हैं हमारे बुजुर्गों की। हिंदुस्तान का हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर इंसान ये चाहता था किसी तरीके से अंग्रेजों से छुटकारा मिले। बहुत मेहनत की गई, बहुत कुर्बानियां दी गई, बहुत लोग शहीद हुए और ये कुर्बानियां देकर के आज हम लोग बेहतरीन अंदाज में अपने मुल्क प्यारे हिंदुस्तान में जी रहे हैं। खुली सांस में, खुली हवा में और खुले माहौल में, खुली फिजा में हम जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने मुल्क पर, अपने मुल्क के कानून पर, अपने मुल्क के इंतजाम पर हमें फख्र है। अल्लाह तबारक व तआला पूरे मुल्क के अंदर अमन चैन सलामती अनायत फरमाए और ये मुबारक दिन हर साल आए और हम लोग खुश होकर के अपने हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ाएं।